हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं ताबिश अजीम। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आप लोगों को कि किस तरह से हम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करेंगे। डाउनलोडिंग का प्रोसेस वेबसाइट से है, यहां पे इससे डाउनलोड हो जाता है। इसकी मैं डाउनलोडिंग की जो वीडियो है उसकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, और आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा देखने के लिए। और आप हमारी वेबसाइट पे ही इस सॉफ्टवेयर के जो क्राइटेरिया है, कितने MB का है, ये 18 MB का सॉफ्टवेयर है, मार्केट के सॉफ्टवेयर से कंपैरिजन और हाइलाइट्स वगैरह देख सकते हैं, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स भी यहाँ पे, रिकमेंडेशंस वगैरह भी देख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद जब आपने सॉफ्टवेयर परचेस कर लिया है, तो अब आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो डाउनलोडिंग करने के बाद आपके सामने स्टार फोटो लैब की तरफ से एक सॉफ्टवेयर फाइल मिलती है, जिसको आप जब एक्सट्रैक्ट करेंगे तो मेक श्योर आपका पास जो है विन डार फाइल होनी चाहिए। इसके अंदर आपको विन डार फाइल भी दी गई है, बट अगर विन डार फाइल नहीं होती है तो ये एक्सट्रैक्ट नहीं होती है। तो विन डार फाइल से इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको एल्बम बटरफ्लाई का कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको सभी एल्बम बटरफ्लाई के जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको कनेक्टिविटी के लिए एनीडेस्क की ज़रूरत पड़ती है, और विन डार फाइल, डेटा पैक्स और ये लिंक्स वगैरह सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है कि सबसे पहले इंस्टॉलेशन को स्टार्ट करना है। तो एल्बम बटरफ्लाई की जो सेटअप फाइल है, इस सेटअप फाइल पे अब हम लोग इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे हमने यस किया, ओके, नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट एग्रीमेंट, नेक्स्ट नेक्स्ट। दोस्तों यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है, जस्ट 18.2 MB का सॉफ्टवेयर है, बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा आपके PC में। और ये इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, और यहाँ पे हम लोग एल्बम बटरफ्लाई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद रजिस्टर्ड लॉगिन वाले प्रोसेस में लेके चलते हैं। दोस्तों अगर आपने सॉफ्टवेयर पहली बार ही परचेस किया है तो आपको लाइसेंस की दी जाती है ओरिजिनल सॉफ्टवेयर में। अगर आप डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर या किसी एग्जीबिशन वर्कशॉप से आप सॉफ्टवेयर परचेस करेंगे, तो आपके पास मेक श्योर VIP कार्ड होगा, जिसपे आपकी लाइसेंस की लिखी हुई होगी। और अगर आपने ऑनलाइन परचेस किया है तो ऑनलाइन में सिर्फ ये सॉफ्टवेयर स्टार फोटो लैब की वेबसाइट पे ही उपलब्ध है, तो वहां से आपको लाइसेंस की आपके ईमेल पे आपको मिल जाएगी। अभी यहाँ पे भी आपको एक थैंक यू मैसेज और टर्म्स एंड कंडीशन का मैसेज आ गया है, जिसमें लिखा हुआ है कि ये सॉफ्टवेयर केवल स्टार फोटो लैब की वेबसाइट से ही परचेज करने पे इसमें सर्विस और फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी। अदरवाइज अगर आप इस सॉफ्टवेयर को किसी भी अन्य तरीके, मतलब किसी भी व्यक्तिगत लोगों से, फोन पे, गूगल पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे से देख के ले लेते हैं, और आप इसको पता नहीं करते हैं कि ये सॉफ्टवेयर को कैसे परचेस करना था, तो आपको आगे चल के बहुत परेशानियां आएंगी। तो दोस्तों इन बातों के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं, और हमने यहाँ पे ओके पे क्लिक किया, हमारे सामने सॉफ्टवेयर का इंटरफेस खुल के तैयार है। सबसे पहले यहाँ पे आपको दो बटन दिखाई देंगे, एक रजिस्टर और एक लॉगिन। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ मैसेज है, ओनली फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी फॉर एक्टिवेशन। इसका मतलब रजिस्ट्रेशन आपको सिर्फ एक बार ही करना है, जिस टाइम आप सॉफ्टवेयर खरीद रहे हैं। रजिस्ट्रेशन में आपका ईमेल आपके सॉफ्टवेयर के साथ लिंक हो जाता है। यहाँ पे हमने रजिस्टर पे क्लिक किया, आपके सामने एक फॉर्म टाइप का ओपन हो गया है। अब इसके लिए आपको फोन करने की जरूरत नहीं है किसी भी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को। इस फॉर्म को आप अपने से ही फिल कर सकते हैं। इसमें आपको जस्ट अपना इंटर ईमेल एड्रेस डालना है, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है आप उसको यहाँ पर फिल कर देंगे और आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे आप जब ईमेल एड्रेस फिल कर रहे हैं तो ये याद रखें कि एक्स्ट्रा स्पेस या कोई भी गलत डॉट वगैरह ना हो। अगर आपका डॉट या स्पेस गलत होगा तो OTP आपको नहीं मिलेगी और आप परेशान होते रहेंगे। यहाँ पे जब ईमेल आईडी आपने फुलफिल कर दी है तो सेंड OTP पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एक OTP आपके रजिस्टर्ड ईमेल पे आ जाएगी। ईमेल पे OTP को आप चेक करने के बाद यहाँ पे आप OTP पे जो भी OTP आपकी आई है उसको आप फिल कर देंगे। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड का ऑप्शन है, पासवर्ड आपको यहाँ पे क्रिएट करना है, खुद का अपना पासवर्ड लॉग इन करने टाइम पे आपको चाहिए होता है, तो वो पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे। मैं भी यहाँ पे एक पासवर्ड अभी क्रिएट कर रहा हूँ, और आप लोगों को भी ये पासवर्ड क्रिएट करना है। याद रहे दोस्तों, ये पासवर्ड दोनों ऊपर और नीचे सेम होना चाहिए और 8 to 10 डिजिट का होना चाहिए। उसके बाद यूजर नेम में आप अपना खुद का नाम लिखेंगे, मैं यहाँ पे अपना नाम लिख रहा हूँ, और उसके बाद आप यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेंगे स्टूडियो नेम पे,
और स्टूडियो नेम पे आप अपने स्टूडियो का नेम लिखेंगे, जो भी आपके फर्म का नेम है, आपके जहाँ पे आप काम करते हैं वो आप लिख देंगे। लिखने के बाद मोबाइल नंबर डालेंगे और मोबाइल नंबर आप यहाँ पे पुट करके आगे की तरफ बढ़ जाएं और अपना एड्रेस में एड्रेस डाल दें, जो भी आपका एड्रेस है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका सभी चीज़ कैपिटल लेटर में ही लिखा हुआ रहेगा और साथ ही साथ आपको यहाँ पे वन टाइम प्रोसेस भी लिखा हुआ दिख रहा है। इसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आपके सामने लॉगिन पेज ओपन है। यहाँ पे वापस से आप hodotstarwebex@gmail.com डालेंगे। डालने के बाद आप यहाँ पे एक ओटीपी से वापस आप ओटीपी पे क्लिक करेंगे और आपको ओटीपी अब यहाँ पे एक बार मिल जाएगी। सेंड ओटीपी मैंने फिर क्लिक किया, ओके, और आपके सामने फिर से ओटीपी आ जाएगी और वो ओटीपी को आप इसके अंदर फुलफिल कर देंगे। तो ओटीपी आ चुकी है। पासवर्ड अपना जो आपने क्रिएट किया है उस पासवर्ड को आप इसमें डाल देंगे और डालने के बाद लॉगिन करेंगे जो पासवर्ड आपने बनाया था। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन भी यहीं पे आपको मिल जाएगा। एक्टिवेट प्रोडक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यूनिक सिस्टम आईडी ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी। आपके सिस्टम की एक यूनिक आईडी होती है वो आ जाती है और यहाँ पे आपको लाइसेंस की फुलफिल करना है। तो लाइसेंस की जो आपको डालना है वो आपको कैपिटल लेटर में ऑटोमेटिक आएगा और आपको सिर्फ उसको फिल करना है। इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो हमारा जो लाइसेंस की है वो ओ है या ज़ीरो है। तो मैं सभी को बताना चाहूँगा, लाइसेंस की हमेशा इंग्लिश लेटर्स होते हैं, सॉरी 1 2 3 आपकी नहीं आएगी। आप सिर्फ ABCD में फॉर्मेट पे रहेंगे और आप सिर्फ टाइप करेंगे और ये डिवीजन 5 5 में 4 टाइम डिवाइड होता है। अगर आप स्पेस का इस्तेमाल करेंगे तो पासवर्ड आपका इस फॉर्मेट से 5 5 के फॉर्मेट से हट जाएगा और तब आपका ये सॉफ्टवेयर रजिस्टर्ड नहीं होगा और आप फिर से बहुत परेशान होंगे कि हमारा सॉफ्टवेयर रजिस्टर्ड नहीं हो रहा है। फिर यहाँ पे आप एक्टिवेट प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद अगर आपका लाइसेंस की सही रहा तो प्रोडक्ट एक्टिवेट हो जाएगा और इस तरीके से आपको योर प्रोफाइल पे आपकी प्रोफाइल दिखाई देगी और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिलेक्ट वर्जन आ गया। अब आप यहाँ पे किसी भी वर्जन पे क्लिक करके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। ये दोस्तों प्रोसेस है बटरफ्लाई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने का, रजिस्टर करने का और लॉगिन करने का। एक्टिवेट करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं और मेक श्योर अगर आपके पास रजिस्टर्ड लाइसेंस की है तो आपको अपडेट्स वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेंगे और सर्विसेज आपको कंपनी से मिलती रहेगी। और कोई भी फीडबैक्स हो आप यहाँ पे अपना फीडबैक डाल के सेंड कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, आगे की वीडियो में आपको पता चलेगा कि और भी जो ज़रूरी फाइल्स हैं उनको हम किस तरीके से इसमें इंस्टॉल करते हैं और इसमें